हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग 12 जून 2019 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। साथ ही अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है करंट अफेयर के, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जीएस के कोर्सेज करने हैं किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लिए, तो आप मेरे प्रोफाइल में मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी पर। वहां पर आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट कंटेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी और आपसे पूछा था कि आपको इसको रिकॉग्नाइज करना है और मुझे नाम बताना है। तो इनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। कौन है ये? प्रफुल्ल पटेल। अब प्रफुल्ल पटेल कौन है? इनका वैसे पूरा नाम है प्रफुल्ल मनोहर भाई पटेल। ये एक बिजनेसमैन है और साथ ही में एक्स पॉलिटिशियन भी है। पहले ये कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, लेकिन आज की डेट में ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। ओके, और अभी हाल ही में इनको फीफा की मेंबरशिप भी मिल गई है। मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कुछ टाइम पहले। तो फीफा के मेंबर अब बने रहेंगे 2023 तक। ओके, और फीफा के हेडक्वार्टर क्या है? ये है ज्यूरिक। तो थैंक यू फॉर द करेक्ट आंसर्स। डेली करंट अफेयर प्लीज आप लोग पढ़ने की हैबिट डालो। एक एक दो दो दिन में पूरा कंटेंट पढ़ने की आप लोग मत कोशिश किया करिए। डेली डेली करंट अफेयर पढ़िए। इसीलिए मैं केवल 10 करंट अफेयर आपके लिए लेकर आता हूँ। इससे ज्यादा बर्डन मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ। करंट अफेयर तो एक दिन में बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं अगर इतना फिल्टर कर रहा हूँ तो सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। और आप देखते भी हो, हर एग्जाम में करंट अफेयर आपको मिलते ही है मेरे पढ़ाए हुए। तो अगर इतना कंसाइज करके मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखा करो और बहुत ही ध्यान से देखा करो। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बड़ी न्यूज से। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, साइक्लोन वायु इज रीचिंग टू द कोस्टल एरिया ऑफ विच स्टेट। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से ये जो वायु नाम का तूफान है, ये कौन से कोस्टल एरिया पर पहुंच रहा है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या फिर केरला? ये पहुंच रहा है गुजरात के कोस्टल एरिया पर, ध्यान रखिएगा। गुजरात में एक रीजन है जिसका नाम है सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र के रीजन पर ये पहुंच रहा है। चलिए आपको दिखा देता हूं। ये है जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, ये है भारत का मैप। आप देख रहे हो, ये है बे ऑफ बंगाल और इधर है हमारे लेफ्ट में अरेबियन सी। तो यहां पर ये जो व्हाइट वाला ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है वायु साइक्लोन। अब ये वायु साइक्लोन इधर की तरफ घूमता हुआ जा रहा है, किस डायरेक्शन में? ये आप देख रहे हो, इस डायरेक्शन में। और ये है हमारा गुजरात का कोस्टल एरिया। तो ये अगले आने वाले कुछ दिनों में टकराएगा गुजरात के कोस्टल एरिया पर। साथ ही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि अभी कुछ ही दिनों में, एक ही दो दिन में, यहाँ पर भारी बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी सौराष्ट्र रीजन में। तो यहाँ पर रेड अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय कर दी गई है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम को पूरी तरीके से यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। इंडियन नेवी को भी यहाँ पर अलर्ट पे कर दिया गया है। सो जिस तरीके से आपने अभी देखा था कुछ टाइम पहले, फेनी साइक्लोन इधर से आया था बे ऑफ बंगाल की तरफ से, और मैंने आपको बताया था जब फेनी साइक्लोन डिटेक्ट किया गया था तब इसकी स्पीड थी 20 से लेकर 22 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब ये टकराया था उड़ीसा के कोस्टल एरिया पे तब इसकी स्पीड हो चुकी थी 210 किलोमीटर पर आवर। तो इससे भी काफी नुकसान हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही कोस्टल एरिया में जो सिविलाइज्ड पीपल हैं, जो सिविलाइज्ड एरिया हैं, उन सभी को खाली करा लिया जाएगा। ओके, सो कहने का मतलब पूरी तरीके से अलर्ट पर हो चुका है गुजरात का कोस्टल एरिया जस्ट बिकॉज ऑफ वायु साइक्लोन। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जरूर बनेगा, वायु नेम का साइक्लोन कहां पर आ रहा है? ये आ रहा है गुजरात के कोस्टल एरिया पर। ये क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा सीएचएसएल एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड विद नारद सम्मान जर्नलिज्म अवार्ड। अभी हाल ही में नारद सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है मनमोहन वैद्य। कौन है ये? मनमोहन वैद्य। और ये वैसे आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं, तो इनको सम्मानित किया गया है नारद सम्मान से। अब ये जो नारद सम्मान है किसके नाम पर दिया जाता है? पहले एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था नारद महर्षि, उनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है और इनको सम्मानित किया जाएगा 29 जून को। और कौन सम्मानित करेगा? हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इनको सम्मानित करेंगे। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इनका ऑफिस पीरियड होता है 5 ईयर का। और उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकता है? वो अपना रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को, मतलब राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, वी हैव सेलिब्रेटेड 103rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर ऑन 11th of June। क्वेश्चन का मतलब यह है कि 11 जून को, मतलब कल की डेट में, हम लोगों ने 123वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई है किस क्रांतिकारी की? तो ये हैं राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल की कल बर्थ एनिवर्सरी थी, वो भी 123वीं। इनका जन्म हुआ था 11 जून 1897 को और इनकी मृत्यु हुई थी 19 दिसंबर 1927 को। गोरखपुर की जेल में इनकी डेथ हुई थी। तो इनके बारे में कौन नहीं जानता, इतिहास इनके बारे में बहुत सारी बातें बताता है। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे ये, भारत के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी। तो
राम प्रसाद बिस्मिल की 123वीं बर्थ एनिवर्सरी हम लोगों ने कल सेलिब्रेट करी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एश्योर्ड टू हाई कोर्ट दैट गवर्नमेंट विल प्लांट 1.4 लाख सैपलिंग वेरी सून। क्वेश्चन का मतलब देखिए, आपको पहले समझा देता हूं। क्वेश्चन का मतलब यह है कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने हाई कोर्ट को यह एश्योर कर दिया है, मतलब कि स्टेटमेंट दे दिया है कि ये 1,40,000 पौधे लगाएंगे बहुत ही जल्द। ये है दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एश्योरेंस दी है। मैं आपको बता दूं ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि एनजीटी ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर। किस वजह से? एयर पॉल्यूशन की वजह से। इनको पहले भी नोटिस जा चुका है कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन को कम किया जाए, लेकिन तब कोई भी स्टेप नहीं उठाए गए थे, तो इनके ऊपर 25 लाख रुपए की पेनाल्टी लगी थी एनजीटी की तरफ से। अब क्या हुआ था कि कुछ टाइम पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको एक और नोटिस भेजा था और आदेश दिया था कि 1,40,000 पौधे आपको दिल्ली के सेंट्रल जोन में लगाने ही लगाने हैं, तो उस टाइम पर भी इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया था। लेकिन फिर से एक नोटिस गया है, इस बार वार्निंग के साथ, तब इन्होंने इस बार एश्योरेंस दी है कि अब दिल्ली सरकार बहुत ही जल्द 1,40,000 पौधे सेंट्रल रीजन में लगाएगी दिल्ली के। और दिल्ली में सरकार किसकी है? आपकी, ध्यान रखिएगा, आम आदमी पार्टी की। तो दिल्ली सरकार 1,40,000 पौधे लगाएगी। और हरियाणा में सरकार है मनोहर लाल खट्टर की, मध्य प्रदेश में सरकार है कमलनाथ जी की, और उत्तर प्रदेश में सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली गांधी साइकिल रैली फॉर पीस हैज बीन सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। अभी हाल ही में गांधी साइकिल रैली फॉर पीस को कौन से कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया? ये एक रैली निकाली गई है महात्मा गांधी के लिए, एक ये ट्रिब्यूट था बेसिकली, ये निकाली गई है सऊदी अरेबिया में। और सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है रियाद, और यहाँ पर करेंसी चलती है रियाल। तो आप आराम से याद कर सकते हो, रियाद और रियाल दोनों मिलते जुलते हैं, और ये सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, और ये करेंसी है। इंडिया की कैपिटल आपको पता ही है, नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडैम, और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। तो सऊदी अरेबिया ने महात्मा गांधी को एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया है यह साइकिल रैली निकालकर। क्यों ये ट्रिब्यूट दिया है? क्योंकि 2019 मतलब 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के 150 साल हो रहे हैं बर्थ एनिवर्सरी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल साइटेड इन विच नेशनल पार्क आफ्टर मैनी ईयर। ये है ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल, ये ब्लैक कलर की बुलबुल आपको दिख रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है ये, बहुत ही कई सारे सालों बाद इसको फिर से एक बार देखा गया है। कौन से नेशनल पार्क में इसको देखा गया है? तो इसको देखा गया दुधवा टाइगर रिजर्व में। अब आपको दुधवा टाइगर रिजर्व की लोकेशन भी पता होनी चाहिए, ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है इंडो नेपाल बॉर्डर पर। ओके, और आपको बता दूं दुधवा टाइगर रिजर्व में 450 से भी ज्यादा एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती है, एनिमल और बर्ड की स्पीसीज मिलाकर 450 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। और ये जो गिर नेशनल पार्क है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, भारत में सबसे ज्यादा शेर गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, दुनिया में भी सबसे ज्यादा शेर गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज मुझे याद आई, मनीष अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज आप जल्द से जल्द अपना एड्रेस मुझे मेल कर दो, ताकि आपकी वजह से साजिद की भी टी शर्ट रुकी हुई है, मैं आप दोनों को टी शर्ट आपकी कोरियर कर सकूं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी हैज बीन ऑनर्ड विद गोल्ड अवार्ड इन साउथ अफ्रीका। ये कौन सी इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसको अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट है फिर से, ये भारतीय कंपनी है महिंद्रा। ये वही महिंद्रा है जिसकी गाड़ियां आती हैं, तो महिंद्रा को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में इसी वजह से, उत्कृष्ट कार्य की वजह से ऑटोमोबाइल फील्ड में इनको गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब महिंद्रा का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और महिंद्रा के चेयरपर्सन है आनंद महिंद्रा। क्या नाम है इनका? आनंद महिंद्रा। और महिंद्रा को एस्टैब्लिश कब किया गया था? तो ये भी ध्यान रखिए, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर 1945 को। अब बात आई है साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल तो आपको पता होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका की तीन कैपिटल है, साउथ अफ्रीका की एक कैपिटल है केप टाउन, दूसरी है प्रिटोरिया, और तीसरी है ब्लूम फाउंटेन। क्या बोलते हैं? ब्लूम फाउंटेन। ओके, तो ब्लूम फाउंटेन, प्रिटोरिया और केप टाउन, तीनों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज स्टॉप्ड रिसेंटली लॉन्च्ड एटीपी, मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स रैंकिंग इंडेक्स। अभी एटीपी ने अपना इंडेक्स जारी किया है, ये रैंकिंग इंडेक्स है, ये इन्होंने कल की ही डेट में जारी किया है 11 जून को। तो इसको टॉप किसने किया है? तो इसको टॉप एक बार फिर से किया है नोवाक जोकोविच ने। ये है नोवाक जोकोविच, और ये कहां के खिलाड़ी हैं? ये हैं सर्बियन प्लेयर, सर्बिया के प्लेयर है।
और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर ऑब्जर्विंग एंटी चाइल्ड लेबर डे इन विच डेट। अभी हाल ही में हम लोगों ने एंटी चाइल्ड लेबर डे किस दिन मनाया या फिर हम लोग इसको कब मना रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आज की ही डेट में हम लोग एंटी चाइल्ड लेबर डे मना रहे हैं। तो आज की डेट क्या है, 12 जून। तो 12 जून को हर साल हम लोग मनाते हैं एंटी चाइल्ड लेबर डे। इस दिन बेसिकली कैंपेन चलाए जाते हैं कि बच्चों से काम ना कराया जाए, 14 साल तक के बच्चों से काम स्पेशली ना कराया जाए, फैक्ट्रीज में या फिर कहीं पर भी किसी भी कंपाउंड में उनसे काम ना कराया जाए। ओके, और 14 साल तक के बच्चों के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री चेकबुक फॉर विच टाइप ऑफ अकाउंट होल्डर। क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूं, आरबीआई ने अभी हाल ही में यह अनाउंस किया है कि ये फ्री चेकबुक देंगे किस तरीके के अकाउंट होल्डर्स को, एनआरआई अकाउंट होल्डर को, करंट अकाउंट होल्डर को, नो फिल अकाउंट होल्डर को या फिर सेविंग अकाउंट वालों को। तो ध्यान रखिए ये इन्होंने स्पेशली अनाउंस किया है जिनके नो फिल अकाउंट है। अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि नो फिल अकाउंट होते क्या है। देखो, नो फिल अकाउंट स्पेशली चलाए गए थे 2005 में। 2005 में इसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए, ठीक है। तो ये इस वजह से लॉन्च किया गया था क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना था, क्योंकि गांव-गांव में आप देखते हो, गांव में जहां पर बैंक 4 से 5 किलोमीटर से भी कहीं ज्यादा दूर है ब्रांच, तो जहां पर लोग जा नहीं पाते हैं ब्रांच तक अपना पैसा जमा करने या निकालने, तो उनको गांव में ही एक तरीके से फैसिलिटी दी गई है फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत। और साथ में नोफिल अकाउंट की खास बात होती है कि इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी मिनिमम पैरामीटर नहीं होते कि आपको 1000 रुपए मेंटेन करने हैं या 500 रुपए मेंटेन करने हैं, ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं होता है इन अकाउंट में। तो स्पेशली नोफिल अकाउंट के लिए ये फैसिलिटी इन्होंने दी है कि फ्री चेकबुक उन्हें मिलेगी। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आज के आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब सुनिए आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन आज का बड़ा ही सिंपल है, आपको बताना है विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। देखो, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता ही है, ये है गुजरात का कच्छ। कच्छ जो है इट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भारत का कौन सा है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और जो लोग अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं लाइव कोर्सेज में या फिर लाइव क्लासेस में आप अगर मुझसे मिलना चाहते हैं या फिर आप फुल कोर्सेज जीएस के करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और वहां पर मेरा ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं जो कि है varun.avasthi90s-8150। इसका यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड सी यू टुमारो।